चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण नमस्कार। हमेशा सत्कर्म की तरफ चलते हुए जीवन बिताना चाहिए, जीवन में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसीलिए ज्योतिष वेदों के नेत्र को ऋषियों ने तैयार किया और उस ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य के जीवन में सुख दुख इसका पता, रोग आरोग्य संपत्ति दरिद्रता का पता चलता है, आयु का पता चलता है। चंद्र कुंडली, जन्म कुंडली और सूर्य कुंडली, नवांश चक्र, द्वादशांश चक्र, अनेक वर्गों के द्वारा जातक के भविष्य का फलादेश देखने में आता है। ये हमारे सिद्ध मुनियों की रचना है, साधना है, जिसका फल हम सब लोग ज्योतिष के माध्यम से जान पाते हैं। तो आज के इस विषय में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली के अंतर्गत, अर्थात आपकी चंद्र राशि पर बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में कैसा होगा। यहाँ मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, चंद्रमा मन का राजा है, चंद्रमा से मन की उत्पत्ति हुई है। अब मन को अगर चंद्रमा सही है तो बड़ी समता मिलती है, और चंद्रमा सही नहीं है तो मन भटकने लगता है। अतः इस मन के भटकाव को रोकने के लिए कौन सा क्या उपाय करना चाहिए, ये भी हमारे ऋषियों ने हमें बताया। तो चंद्रमा के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन राशि के अंतर्गत बैठे हुए चंद्रमा के ऊपर यदि सूर्य की दृष्टि पड़े तो जातक में क्या प्रभाव होगा। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर सप्तम पड़ेगी। अब सूर्य ठीक सातवें घर में बैठे होंगे, मिथुन राशि के ठीक सातवें घर में सूर्य। सातवां घर बड़ा ही विचित्र घर है, जीवन का प्रत्येक पहलू यहाँ से बदल जाता है। मसलन युवावस्था में सप्तम पार्टनर और पार्टनरशिप व्यापार इत्यादि का प्रतीक है सातवां घर, यात्राओं का प्रतीक है सातवां घर। तो यदि सातवें घर में सूर्य बैठेगा तो धनु राशि में बैठ करके चंद्रमा को देखेगा। यहाँ एक बात और मैं कह देना चाहूँगा, जन्म कुंडली में कारकांश चक्र के अनुसार इसका फलादेश बड़ा सटीक बैठता है। यदि कारकांश कुंडली देखा जाए तो चंद्रमा के ऊपर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो इसका प्रभाव अधिक होगा। मेरे ख्याल से आचार्य मीनराज ने कारकांश कुंडली, नवमांश चक्र के इत्यादि के ऊपर ही यह ज्योतिष फलादेश रचना की है, क्योंकि आचार्य मीनराज का कहना है कि शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, अब शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर सूर्य पर पड़े और शुक्र की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी कैसे, तो इसका प्रभाव, इसका मतलब यही है आचार्य मीनराज के हिसाब से, कारकांश चक्र और नवमांश चक्र यानी डिविजनल कुंडली के अनुसार ही ये दशाएं, ये दृष्टियां पड़ सकती हैं। खैर, यदि सूर्य देखते हैं चंद्रमा के ऊपर तो जातक में क्या प्रभाव होगा। कहते हैं ऐसा जातक धीरे धीरे चलते चलते तरक्की करता है, बहुत जल्दी तरक्की नहीं कर लेता है यदि सूर्य देखेगा चंद्रमा को। तो ऐसे व्यक्ति को सर्प से पीड़ा होती है, सर्प से भय होता है और ये स्वभाव में उग्र रोगी होता है, बड़ी जल्दी तिलमिला उठता है, बड़ी जल्दी उग्र हो जाता है ऐसा व्यक्ति, जिसके अंदर, जिस पर चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़े तो। आचार्य मीनराज का कहना है कि सर्प का भय ऐसे जातक को होता है जब चंद्रमा को सूर्य देखेगा तो। ऐसे व्यक्ति को खुजली, दाद आदि से पीड़ा जीवन में रहती है। क्या आचार्य मीनराज का ये कहना ठीक है? जो लोग इसका अनुभव ले चुके हैं, जिनकी राशि चंद्रमा मिथुन में है और सूर्य देखता है, वो हमें अपने अनुभव जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। हम इससे अपने ऋषियों की ये प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए ग्रंथ को सहेज के रखें। इसलिए अगर
चंद्रमा के ऊपर मंगल देखे तो मंगल की दृष्टियां बता देता हूं आपको। मंगल की दो दृष्टियां पृथक हैं, एक चतुर्थ दृष्टि और एक अष्टम दृष्टि। वैसे प्रत्येक ग्रह को सातवीं दृष्टि प्राप्त है जन्मसिद्ध, पर मंगल शनि राहु केतु बृहस्पति इनकी दृष्टियों में प्रभाव अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो यदि मंगल देखेगा तो मंगल चंद्रमा पर सातवीं दृष्टि भी डाल सकता है। अब मिथुन राशि के ठीक सातवें चंद्रमा मंगल आ जाएंगे तो मंगल योग बन जाएगा ऐसे जातक के लिए। अगर चंद्रमा से ठीक वृश्चिक राशि में होंगे मंगल तब भी चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालेंगे। यदि मीन राशि में होंगे तो चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे चंद्रमा को। अब किस दृष्टि का क्या प्रभाव है हम इस विषय को अभी देखते हैं। मंगल की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है। क्या यह सच है? मुझे लगता है मीन राशि में बैठ करके अगर देखेंगे मंगल चतुर्थ दृष्टि से संभव है। बाकी अगर बैठते हैं वृश्चिक राशि में अष्टम दृष्टि से देखते हैं मंगल तो भी संभव है, क्योंकि छठा स्थान शत्रु का है, पर यहां मंगल प्रबल हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा से भय जरूर रहता है, इसलिए यह व्यक्ति डरपोक साबित होता है। यहीं पर मंगल की दृष्टि अगर सप्तम बैठ करके मंगल देखते हैं, सप्तम दृष्टि डालते हैं तो पत्नी के घर में बैठेंगे। तो कुल मिलाकर के पत्नी के घर में अगर बैठते हैं तब ये बात लागू होती है कि भयभीत अवस्था होगी। क्यों? क्योंकि मंगल हो जाएंगे षष्ठेश, और षष्ठेश मंगल होने के नाते शत्रु पक्ष का कारक बन जाएंगे। अतः शत्रु पक्ष का कारक, शत्रु पक्ष का स्वामी सातवें घर में पत्नी के घर में बैठ जाए तो पीड़ा भय दीनता इत्यादि मनुष्य को दे ही देते हैं, मुझे लगता है ऐसा। और ऐसे व्यक्ति में गैस विकार रहता है, वायु विकार रहता है। और यह आदमी चाहे बच्चा हो लेकिन देखने में अपने उम्र से ज़्यादा लगेगा, दिखने में यह व्यक्ति आयु में अधिक लगता है। यह भी बात आप हमें बताएंगे अपने अनुभव के द्वारा। यदि चंद्रमा पर बुध देखता है तो बुध की यहाँ सप्तम दृष्टि है, बुध देखेंगे तो बुध की स्थिति चतुर्थेश यानी सुखेश होकर के लग्नेश होकर के ठीक सप्तम पत्नी के घर में जाया के भाव में जब बुध बैठेंगे तब सप्तम दृष्टि से देखेंगे। फिलहाल फलादेश कहता है कि ऐसा मनुष्य सुखी होगा, सौभाग्यशील होगा, ऐसे व्यक्ति का सुंदर शरीर, विद्वता वाला और मित्र से भरा पूरा जीवन रहता है। ऐसा व्यक्ति कुल का प्रधान होता है और यह व्यक्ति ब्राह्मण और दुजों के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है। मुझे लगता है आचार्य मीनराज का यह कहना ठीक है, क्योंकि सुखेश और लग्नेश यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव का कारक बन जाता है शुक्र। वैसे और शुक्र के घर में यदि बुध बैठेगा तो मित्र ग्रही हो जाएगा। अतः बुध यहां बैठ करके चंद्रमा को कवित्व प्रदान करेगा, योग्यता प्रदान करेगा, विद्वता प्रदान करेगा। अतः बुध का सप्तम स्थान पर बैठ करके यह है फलादेश मीन राज्य का बिल्कुल योग्य है, युक्त है, सुस्पष्ट है। अच्छा, बृहस्पति की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ती है तो बृहस्पति की दृष्टियां 5, 7, 9 होती हैं। बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो अगर पाँचवीं दृष्टि पड़ेगी तो कुंभ राशि में बैठ करके अगर बृहस्पति देखेंगे तो पांचवी दृष्टि से देखेंगे, धनु राशि पर बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे,
तुला राशि पर बैठेंगे तो नवम दृष्टि से देखेंगे। अब किस दृष्टि के अनुसार यह फलादेश चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति का है, आचार्य मीनराज के शब्दों में आइए देखते हैं। आचार्य मीनराज का कहना है कि यदि बृहस्पति देखता हो तो मनुष्य वैभव संपन्न होगा, धनवान होगा और शूरवीर होगा। वैभव संपन्न, धनवान, शूरवीर होगा। तो एक किस हिसाब से इन्होंने कहा, मनोज्ञ यानी मन पर विजय पाने वाला, पवित्र और धार्मिक कीर्ति वाला होगा। यदि सप्तम बैठेंगे बृहस्पति तो भी अच्छा है, और पंचम बैठेंगे बृहस्पति तब भी नवम दृष्टि से देखेंगे तब भी अच्छा है, और यदि कुंभ राशि के अंतर्गत बैठेंगे पंचम दृष्टि से देखेंगे तो भाग्य स्थान पर बैठने के कारण तो भी अच्छा है। कुल मिलाकर के यह आचार्य मीन राज्य का कथन बिल्कुल 100% सत्य है। बाकी आप बताएंगे कि इनका कहना क्या सही है अपने अनुभव के द्वारा। वैसे मैं बताता हूँ कि चंद्रमा पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो जातक में धर्मनिष्ठता आ जाती है, जातक में विद्वता आ जाती है, धनवान भाग्यशालीता आ जाती है, संतान संपत्ति योग्यता इन सब चीज़ों से जातक का जीवन भरा पूरा होता है। चलिए यदि शुक्र देखते हैं चंद्रमा को तो सप्तम दृष्टि से शुक्र देखेंगे, शुक्र सप्तम स्थान पर यानी धनु राशि में बैठेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब आचार्य मीनराज का कहना है कि शुक्र देखता हो तो मनुष्य के पास हाथी घोड़े, अब आजकल हाथी घोड़े तो होते नहीं, कार मोटर वाहन बसेस इत्यादि होती हैं, विविध प्रकार के वाहन, हवाई जहाज इत्यादि की यात्राएं करने वाला जातक होगा, और इसके पास वाहन भिन्न भिन्न प्रकार के लग्जरियस कारें वगैरह होंगी। और इस व्यक्ति में एक गुण और आता है कि इसके अंदर गान विद्या और काम क्लेली, ऐसा व्यक्ति स्त्रियों में विशेष अनुरक्त होने वाला, रति करने वाला महाधनवान होता है, राजा से सम्मान प्राप्त करने वाला जातक होता है। अतः यहाँ पर भी कारक स्थान पर शुक्र बैठेंगे तो चंद्रमा को देखेंगे, और चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो या बुध की दृष्टि हो या बृहस्पति की दृष्टि हो, ये सब बढ़िया प्रभाव फलादेश में उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। चलिए तो शुक्र की दृष्टि का ये प्रभाव, तो शनि की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा। शनि की दृष्टियाँ हैं तीसरी, सातवीं, दसवीं, अतिरिक्त तीसरी और दसवीं। अगर मेष राशि के अंतर्गत बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे, धनु राशि के अंतर्गत बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, और कन्या राशिस्थ देखेंगे तो दशम दृष्टि से देखेंगे। अतः अब जातक के ऊपर किस प्रभाव से, किस हिसाब से क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसका फलादेश आचार्य मीनराज के शब्दों से देखते हैं। कहते हैं कि शनि देखता हो तो मनुष्य के अंदर दुष्टता आ जाती है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़े तो मनुष्य के अंदर दुष्टता आ जाती है। यह व्यक्ति शत्रुओं से घिरा रहता है, नए नए दुश्मन खड़े होंगे उसके, चोर एवं राजा से शारीरिक पीड़ा होती है इसको, और इस व्यक्ति के अंदर कटुता रहती, विनय संपन्नता नहीं रहती, ये जवान का बड़ा तीखा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, और शरीर से बूढ़ा दिखता है। कब कैसे क्यों, सातवें घर में शनि बैठेंगे तो मुझे लगता है कि इतना कुप्रभाव नहीं करेंगे। यदि शनि बैठेंगे ग्यारहवें घर में तो इतना कुप्रभाव करेंगे, ग्यारहवें घर में बैठ करके तीसरे दृष्टि से अगर चंद्रमा को देखेंगे अर्थात मेष में बैठेंगे तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो शनि के ऊपर कुप्रभाव करेंगे, क्योंकि मंगल बुध की राशि में चंद्रमा बैठा है और मंगल की राशि का होकर शनि जातक को परेशान करेगा। अतः यह फलादेश सिर्फ मेष राशिस्थ शनि चंद्रमा को देख करके
पीड़ित करने की अवस्था में होंगे। तो आचार्य मीनराज जी का कहना यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, आप अपने अनुभव के द्वारा हमें बताएंगे। तो ये सिर्फ शनि तक ही फलादेश आचार्य मीनराज ने लिखा है, बाकी राहु केतु के बारे में उन्होंने नहीं लिखा। तो इस वीडियो में इतना फलादेश, अगले वीडियो में हम चंद्रमा को देखेंगे कर्क राशि के अंतर्गत, उनके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों के द्वारा जातक के जीवन में क्या प्रभाव, क्या असर होगा। तो लेते हैं विदा, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को सुखद शुभकामनाएं, सुखी रहें, सबको सुखी रहने दें, जिए और जीने दें। इतना कहने के साथ ही हृदय से सभी को नमस्कार।